हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपके लिमिट कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल 1.1 के। ठीक है, देखो हमने लास्ट में क्या किया था, हमने डेफिनेशन की थी, एप्साइलन का यूज किया था। आज हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में 3x + 4 हैज लिमिट, कुछ लिमिट रखता है 10 एज x टेंस टू 2। देखो मैंने आपको बताया था अगर हैज लिमिट है, दिस एल के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एल, देन हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन कौन सी है, एप्साइलन और डेल वाली डेफिनेशन से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको कुछ चीज़ें तो रिमाइंड है बिल्कुल अच्छे से कि आपको क्या लेना है, माइनस एल के बराबर लेना है और वो लेस देन एप्साइलन होगा। अगर ये लेस देन एप्साइलन है तो जो लिमिट आप लेके चले थे एक्स टेंस टू ए की, वो एक्स माइनस ए जो है, अगर ये उधर जाएगा तो एक्स माइनस ए वो है, वो डेल से छोटा हो जाएगा। यहाँ पर दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, एक एप्साइलन और एक डेल। डेल को आपको एक्स के लिए लगाना है और एफ एक्स के लिए आपको किसको लगाना है, एप्साइलन की। ये चीज़ तो हमेशा याद ही रखनी है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि ये चीज़ हो गई, अब हमें स्टार्टिंग करनी है। आपको क्या बोला है उसने, आपको उसने बोला कि एफ एक्स बराबर जो है वो 3x + 4 दिया हुआ है और इसकी जो लिमिट है ना, हैज लिमिट, वो आपको 10 दी हुई है एज एक्स टेंस टू 2 के। तो सबसे पहले तो मैं एफ एक्स को ही लेके चलूंगी, एफ एक्स, ठीक है, जो कि 3x + 4 है। यहाँ पर मैंने क्या करवाना है, एग्जिस्ट करवाना है, लेट एग्जिस्ट करवाया एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर है 0 से, ठीक है, एग्जिस्ट करा दिए। अगर आपको लिमिट दे रखी है तो आपको पता था ना एफ एक्स किससे बराबर होता है, माइनस एल, ये बात तो क्लियर होती है एल। और यहाँ पर आपको L क्या काम कर रहा है, 10 का काम कर रहा है, तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस 10 हो जाएगा और यहाँ मोड लगेगा, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन आपको, 3x + 4, तो यहाँ हम रख देंगे 3x + 4 माइनस का 10। अगर जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये क्या आ जाता है, 3x, ठीक है, 3x और ये हो जाएगा माइनस का 6। अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले लूं तो 3x - 2 ये बच गया, ठीक है। अब लिमिट मेरी निकल चुकी है एक्स टेंस टू 2 वाली, एक्स टेंस टू 2 ही उसने बोला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो जो मेरी चीज़ निकली है ना वही लेके चलो, एफ एक्स माइनस 10, ये एप्साइलन से छोटा। इफ कब होगा एप्साइलन से छोटा, जब अगर ये एप्साइलन से छोटा है, इसी से ये चीज़ बनी है, इसी से ये चीज़ बनी है, तो 3 mod x - 2 ये भी एप्साइलन से छोटा होगा, तो ये 3 उधर आ जाएगा, तो मैं क्या लूँगी, x - 2 epsilon/3 हो गया, ठीक है। इस epsilon/3 को ही मैं डेल मान लेती हूँ, क्या मान लेती हूँ, डेल मान लेती हूँ, क्योंकि ये स्मॉल क्वान्टिटी है, तो मैंने epsilon/3 को क्या मान लिया, डेल मान लिया। तो मेरा x - 2 जो है वो किसके बराबर आ गया, डेल के, ये लेस देन किसके आ गया, डेल से लेस देन आ गया, मेरी बात समझ गए। और ये चीज़ जो थी एज इट इज हमारी है, इसको हमने कुछ छेड़ना नहीं है ना कुछ, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, आपको पता है ये चीज़ हो गई, आप जो है इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो। अब इसके ऊपर ये चीज़ तो हमारी इतनी अब मैंने क्यों की, ये सिर्फ इसलिए की ताकि मेरा डेल आ जाए, और लिमिट हमारी जो थी वो 2 ही थी और 2 ही पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो मेरा मेन क्या है, मुझे लिमिट लगानी है इसके ऊपर, x टेंस टू 2 की लिमिट लगानी है एफ एक्स के ऊपर। अब ये देखना है कि जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था एज ए लिमिट 10, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो मेरे पास क्या है, 3x + 4 है और मुझे इसके ऊपर लिमिट लगानी है x टेंस टू 2। तो देखो जब मैं इसके अंदर 2 रखती हूँ तो 2 × 3 = 6, 6 और 4 = 10, तो 10 के बराबर आ रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट के। इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट करती है, तो आप लिख दोगे कि दिस लिमिट डज एग्जिस्ट, बस इतना ही क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, सो बाय डेफिनेशन, ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सो बाय डेफिनेशन KU में आया हुआ है क्वेश्चन, जो हर साल रिपीट होते रहे हैं, तो इसलिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको तो जरूर कीजिए। बाय द डेफिनेशन फंक्शन x² - 9 और x - 3
हैज लिमिट 6, मतलब एल की वैल्यू क्या है 6 है। कब? जब एक्स टेंस टू क्या है 3 है। देखिए आपको इसके इसको किसके बराबर लेना है, एल के। एल क्या है 6 है, तो ये 6 उधर चला जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किए ना, सेम वही है। कैसे करेंगे देखो, हम क्या लेंगे, एफ एक्स है। आपको पता है कि इसने क्या बोला है कि एफ एक्स जो है वो हैज लिमिट 6 और एक्स टेंस टू क्या है 3 है। तो मेरा क्या लेके चलूँगी मैं, एफ एक्स बराबर है एक्स का स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस का 3। ठीक है, अब मैं क्या लूँ, एफ एक्स है मेरा ये किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एफ एक्स माइनस का 6। ये चीज़ें तो आपको याद सी हो जाएंगी जब आप बार बार करोगे ना। एफ एक्स की जगह पर मेरे पास क्या वैल्यू है, ये वाली, तो मैंने यहाँ रख दी। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने का मेन पर्पज है कि मुझे लिमिट में लाना है, एप्साइलन में लाना है इस चीज़ को। कैसे लेके आएंगे, अब देखो ये वहाँ चला जाएगा तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का, ये जब वहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x और 6 18। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, या फिर यहाँ से कट भी सकता था, पहले इसको सोल्व काट ही लेते हैं यहीं पे ताकि हमारा छोटा हो जाएगा ये। तो x माइनस 3 कर दिया और x प्लस 3, ये फॉर्मूला खुल गया माइनस का 6, इससे छोटा हो जाता हमारा, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। तो x प्लस 3 माइनस का 6, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 3 बच गया। ठीक है, x माइनस 3 बच गया। तो अब देखिए ये x माइनस 3 आया, तो ये जो है ना मेरा एफ एक्स, आपको पता है कि अगर मैं l लेती हूँ तो हमेशा एप्साइलन से छोटा होता है। ठीक है, अगर ये एप्साइलन से छोटा है फॉर ऑल, तो ये भी क्या होगा, एप्साइलन से छोटा हो गया क्योंकि ये इसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी से तो ये चीज़ बनी है ना, ये भी एप्साइलन से छोटी होगी। अगर मैं एप्साइलन को डेल के बराबर मान लूँ, लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 जो है ये क्या हो जाएगी, डेल के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसकी जो लिमिट थी वो मेरी 3 थी और मैं 3 ही लेके आ गई, यहाँ लिमिट इसने क्या बोला था 3 है, तो लिमिट 3 में काउंट हो गया मेरा, इतना मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, लिमिट लगानी है। इतना मेरा हो गया, अब मुझे क्या करना है, लिमिट लगानी है। कौन सी वाली, 3 वाली, किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। अगर वो मेरी 6 के बराबर आ जाती है तो मेरा एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखना। ठीक है, हो गया क्लियर। आज हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं, उसके बाद देखिए सारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे कर भी सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ वही करवा रही हूँ जो मुझे लगेगा कि ये एग्जाम्पल समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सारे करवा देंगे। यूजिंग द डेफिनेशन प्रूफ दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए कोस एक्स बराबर कोस ए। अब यहाँ एल आपको ये दिया हुआ है, एल क्या आपका ये है, वेयर ए जो है वो बिलोंग करता है आर से। अब इसमें क्या करना है, एल जो है ना आपको इसने बोला नहीं लेकिन इसके बराबर है लिमिट के, तो ये एल रहेगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 में उसने ये बोला कि आपको यूजिंग डेफिनेशन आपको ये बताना है कोस एक्स बराबर कोस ए है, वेयर ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एफ एक्स है। अब आपको पता है कि अगर लिमिट लगा रखी है तो ये इसी के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है कोस ए के। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि लिमिट क्यों हटती है, क्योंकि लिमिट ही बराबर है तो लिमिट के तो हट ही जानी है। अब देखो फिर भी अगर आपको दिमाग में एक चीज़ और बता दूँ, देखो यहाँ x टेंस टू a है, अगर मैं यहाँ a रखूँ तो ये लिमिट इसके अंदर एग्जिस्ट की हुई है, तो ये इसके बराबर आ जाएगी। अब देखो मैं क्या करती थी, मेरा रूल क्या कहता था, उसके बाद मैं इसको इधर लेके आती थी cos a, और फिर मेरा क्या लगता था, मोड लगता था, और इसकी वैल्यू किससे छोटी होती थी, एप्साइलन से छोटी थी। उससे पहले मुझे इसको कुछ एफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, cos x रख दिए, यहाँ क्या है cos a है। अब मुझे क्या करना है, इसको लिमिट में एग्जिस्ट कराना, वो कराएंगे।
कोस सी माइनस सी जो है वो मेरा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला है ये सी माइनस सी। अभी जो पीछे आपको मैंने छोड़ दिए फॉर्मूले वो सारे इसी में अप्लाई हो जाएंगे। वो होता था मेरा टू एस एस के बराबर होता है, किसके बराबर होता है टू एस एस के, माइनस लग के टू एस एस होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है, सी माइनस सी किसके बराबर होता है, माइनस का टू एस एस। ठीक है, तो माइनस का टू एस क्या है, एस हो गया साइन। ठीक है, उसके बाद थीटा एक्स प्लस ए बाय टू, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए बाय टू। ठीक है, माइनस का टू साइन, आपको पता है एक्स प्लस ए करेंगे, एक्स प्लस ए बाय टू, और यहाँ क्या है एक्स माइनस ए बाय टू साइन। अब देखो, अब इसमें मुझे क्या करना है, माइनस माइनस का था लेकिन ये मोड से बाहर आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। क्यों? क्योंकि मोड में वैल्यू सारी पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब ये चीज़ है मेरा, ये वाली चीज़ जो है वो मेरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा क्यों? वो इसलिए अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करोगे ना, कुछ भी ऐड करोगे तो ये हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। और आपको पता है साइन की जब हम टेबल निकालते हैं, साइन की जब मैं टेबल निकालती हूँ तो देखो साइन जीरो पर क्या होता है, जीरो, और साइन 90 लास्ट करता है उस पर क्या होता है, वन। तो इसकी वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में ही लाई करती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, मतलब वन से क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन यहाँ तो वन से बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन से बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो मेरी नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वन से बड़ी साइन की वैल्यू नहीं हो सकती। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लेके चलूँगी, तो ये क्या हो जाएगा टू टू, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, ठीक है, बटे टू। अब आपको पता चला कि आपने ये लेस देन का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इससे जो है ना, इसकी वैल्यू जो है इससे कम होगी। ठीक है, अब देखो ये हो गया क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरा इसका मतलब क्या, टू से तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो जो मैं लेके चली थी एफ एक्स माइनस में कोस ए, वो किसके बराबर आ गया, मेरा लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए के आ गया। ठीक है, इसके बराबर आ गया। अगर ये है तो ये तो एग्जिस्ट करेगा एप्साइलन के, एप्साइलन के एग्जिस्ट करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस में कोस ए हो गया। ठीक है, आपको पता है कि एक्स माइनस ए है तो ये किसके, डेल के एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आगे देखो मैंने क्या माना, ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेल को ई के बराबर ले लिया मैंने, और ये तो आप पीछे कर भी चुके हो। तो मेरी जो डेल अगर ई के बराबर आ गया तो मुझे क्या मिला कि एफ एक्स माइनस में कोस ए वो किसके बराबर आ गया, मेरा एप्साइलन के, वैन एवर एक्स माइनस ए लेस देन हो जाएगा डेल के। ठीक है, तो इसका मतलब वही चीज़ आ गई ना, एप्साइलन और डेल के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब मेरी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कोस ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही मुझे सिद्ध करना है, ये आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, यूजिंग द डेफिनेशन, ये आपको इसमें से ही समझा देती हूँ, मैथ में से ही, कि आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर में एक्स वन साइन वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर है जीरो से, बी एनी गिवन रियल नंबर। आपको ये चीज़ तो हमेशा याद ही रखनी है कि एफ एक्स माइनस जीरो, जीरो क्यों लिया, क्योंकि उसने क्या बोला है कि हैज लिमिट जीरो है, उसकी क्या हैज लिमिट जीरो है, हैज लिमिट जीरो है तो जीरो के बराबर लेंगे। देखो सेम वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद क्या बोला, एफ एक्स की जगह पर मैंने ये चीज़ रख दी, फिर ये जीरो है तो ये वाली चीज़ बच जाएगी, एक्स को बाहर ले लिया ये वाली चीज़ बच गई। अब देखो ये जो है, ये तो इसकी वैल्यू जो है वो वन से क्या आएगी, बड़ी आएगी, वन से क्या आएगी, बड़ी, जबकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मैंने इसको तो नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया इसको, सीधा ये ले लिया एक्स, एक्स ले लिया। अब एक्स है, एफ एक्स माइनस जीरो है, तो मैंने भी एक्स माइनस जीरो ले लिया इससे। आपका ये साइन क्यों आता है, ये साइन तभी आता है जब ये वाली चीज़ होती है कि इसकी वैल्यू वन से छोटी आनी चाहिए, साइन की वैल्यू जो है वो वन से छोटी आनी चाहिए, तब ये चीज़ आती है।
क्लियर है, तो x माइनस जीरो हो गया। अब आपको पता है ये एप्साइलन के इक्वल लेंगे तो ये डेल के ले लेंगे, क्यों, क्योंकि एप्साइलन को मैंने डेल के बराबर रख देना है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद ये एग्जिस्ट करा जाएगी, ठीक है, हो गया। आज तो हम यही करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, चलो पहले एग्जाम्पल ही कराऊंगी, एक बार आप निकाल के देख लेना, जो आपसे निकले वो निकाल लेना, जो नहीं निकले वो मुझे निकाल देना, ठीक है।